भोजपुरिया इंडस्ट्री उठकर चला आया है दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल, तो ऐसे में अक्षरा सिंह खुद को रोक नहीं पाई। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया में आज हम आपको इस भोजपुरी की हंसनी की सच बताने जा रहे हैं। इस हंसनी से रहा नहीं गया, दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और तूफानी के लिए इन्होंने दुआएं मांगी हैं। जी हां, अक्षरा सिंह सामने आई हैं और उन्होंने दुआएं मांगी है कि तूफानी लाल यादव ठीक हो जाए। अक्षरा सिंह भोजपुरिया जगत की सुपरस्टार हैं, तमाम जितने भी बड़े स्टार हैं वो अक्षरा सिंह को बहुत मानते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं। हालांकि उनका अंदरूनी मामला जो भी हो, लेकिन सब उनके संघर्ष को आज सलाम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं अक्षरा सिंह ने, तूफानी लाल यादव के लिए मदद के लिए लोगों से आने की अपील की है और ढेर सारी दुआओं का संदेश भेजा है और कहा है कि भगवान इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। अक्षरा सिंह दिल की बहुत अच्छी हैं, यकीन मानिए वो अक्सर चाहती हैं कि उनके भोजपुरिया समाज के जितने भी ऐसे लोग हैं जो पिछड़ रहे हैं वो उठकर सामने आ जाएं। वो सबके लिए दुआएं करती हैं, सबके लिए भगवान से खुशियां मांगती हैं, तो उनके जीवन में भी भगवान बहुत सारी खुशियां दे चुका है। एक बार फिर से वो भोजपुरिया जगत के लिए उठ खड़ी हुई हैं और उन्होंने दुआएँ मांगी हैं और सबसे दुआओं के लिए अपील भी किया है कि भाई जो चीज़ दवा से ठीक नहीं हो सकती वो दुआ से ठीक हो जाती है। तो आप सब लोगों से अपील है कि तूफानी लाल यादव के लिए दुआ करें और उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मांगे, तो भगवान ज़रूर सब कुछ ठीक करेगा, यकीन है अक्षरा सिंह का ये। तो देखते हैं अक्षरा सिंह के यकीन और भगवान की कृपा कितनी ज़्यादा होती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो कब तक खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और तमाम लोग जो हैं वो तो इन्हें मदद भेज ही रहे हैं, अक्षरा सिंह भी मदद भेज चुकी हैं, अब बस ठीक होने का इंतज़ार है। तो चलिए सब मिलके करते हैं दुआएं और इंतजार उनके ठीक होने का। तूफानी लाल यादव जल्द ठीक होंगे। कीजिए ढेर सारे कमेंट और अक्षरा सिंह की इस अनोखी पहल पर क्या कहेंगे आप जरूर बताएं। देखें नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।